गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने फूड प्रोडक्शन 809 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 द फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शंस इन ए किचन के जो नेम लिखे हुए हैं वहां तक कवर किया था। तो आज हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे विद डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शंस इन ए किचन। तो पहला सेक्शन है प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया। इसके अंदर फर्स्ट आता है मेन किचन। दिस सेक्शन ऑफ द किचन वर्क्स 24 आवर्स एंड कैटर्स टू द ऑर्डर ऑफ कॉफ़ी शॉप एंड इन रूम डाइनिंग रूम सर्विस दैट आर ओपन राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे। जो मेन किचन है वो 24 घंटे सर्विस देता है कॉफ़ी शॉप और बाकी रूम्स में फूड एंड बेवरेज की। दिस किचन ऑक्यूपाइज ए लार्ज स्पेस एंड प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ फूड वेराइटीज सच एज इंडियन कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड एंड पॉपुलर लोकल फूड। तो ये जो किचन है ये बहुत बड़ा एरिया जो है घेर के रखता है और साथ ही सब तरह की वैरायटी, चाहे वो इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, कोई फास्ट फूड हो, सभी तरह की फूड की वैरायटी को सर्व करता है। इट हैज़ वेरियस सब सेक्शंस, मतलब सेक्शन को भी डिवाइड किया है सब सेक्शंस में। एंड ए लार्ज पिकअप काउंटर द डिशेज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड राउंड द क्लॉक डिशेज। और जो डिशेज होती हैं उनको डिवाइड किया है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बाकी डिशेज में। हैंस द शेफ वर्क इन 3 शिफ्ट, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट टू कम्प्लीट द रिक्वायर्ड टास्क। तो इन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को बनाने के लिए जो शेफ़ हैं वो शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में और ब्रेक शिफ्ट में। दिस किचन एक्ट एज नर्व सेंटर ऑफ ऑल द किचन्स इन द होटल। जो मेन किचन होता है वो बाकी सभी किचन्स के लिए नर्व सेंटर, मतलब जो मेन चीज़ जो होती है जहाँ से सभी किचन का काम शुरू होता है, इस तरह का रोल जो है ये किचन प्ले करता है। सेकेंड इज स्पेशलाइजेशन किचन्स। दीज किचन्स आर डिजाइंड स्पेशली टू कुक ए पार्टिकुलर कुजीन सच एज इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, जैपनीज, ओरिएंटल एट्सेट्रा। तो स्पेशलाइज किचन क्या होता है? किसी एक तरह की कुजीन। कुजीन का मतलब क्या होता है? कुजीन मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो खाना बनाने का तरीका है, चाहे वो कोई स्टेट है, सपोज़ जैसे कि पंजाब स्टेट है, पंजाब का अपना सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत फेमस है, तो वहाँ जो ये खाना बनाने का तरीका है उस तरीके को कुजीन बोलते हैं। तो स्पेशलाइज किचन जो है किसी एक तरीके के खाने में स्पेशलाइज होता है, वहाँ सिर्फ एक ही कुजीन का आपको फूड मिलेगा। द लेआउट ऑफ ईच किचन वेरीज कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट्स टू बी प्रोसेस्ड एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल डिशेज। तो जो लेआउट होता है इन इस तरह की किचन का वो भी अलग अलग आपको मिलेगा, क्योंकि एक ही तरह का आपको फूड मिलता है और इन्ग्रीडियंट्स भी अलग अलग तरह के मिलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेटेलाइट किचन, और इस तरह के किचन को सेटेलाइट किचन बोलते हैं। दीज किचन्स आर ऑलवेज लोकेटेड नियर द स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, सेपरेटेड बाय डबल डोर्स, ट्रैफिक डोर्स, देन ए वेस्टिब्यूल एंड अनदर सेट ऑफ डबल डोर्स। तो इस तरह के किचन में आपको डबल डोर मिलेंगे, एक अंदर आने के लिए और दूसरा बाहर जाने के लिए। ये किस लिए होते हैं? द डबल डोर्स आर डेजिग्नेटेड ऑन लेफ्ट साइड टू एंटर एंड द राइट साइड टू एग्जिट। जो लेफ़्ट वाला डोर है वो अंदर आने के लिए और राइट वाला जो है बाहर जाने के लिए होता है, और ये इसलिए होता है ताकि आपस में टकराए ना। द वेस्टिब्यूल सेपरेशन हेल्प्स टू कंट्रोल द नॉइस फ्रॉम किचन एस्केपिंग इन टू रेस्ट्रो एंड ऑल्सो कुशन्स द वेरिएशन इन टेम्परेचर बिटवीन किचन एंड रेस्ट्रो। वेस्टिब्यूल एरिया, वेस्टिब्यूल एरिया जो है किचन और रेस्ट्रो के बीच में एक खाली स्पेस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि किचन के अंदर जब वर्किंग होती है तो बहुत नॉइस होती है, काफ़ी हीट, गर्मी निकलती है, तो वो रेस्टोरेंट के अंदर ना घुसे इसलिए बीच में एक खाली स्पेस जिसको वेस्टिब्यूल एरिया बोलते हैं वो बनाया जाता है। द सैटेलाइट किचन स्टाफ इज़ वेल ट्रेंड टू एबल टू प्रिपेयर द डिशेज ऑफ द स्पेशलिटी कुजीन। तो जो सैटेलाइट किचन के जो शेफ होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड होते हैं इस तरह की कुजीन को बनाने के लिए। द किचन हैज़ इट्स ओन इक्विपमेंट्स, कोल्ड स्टोर, क्रॉकरी एंड वर्क शेड्यूल। इस किचन का अपना खुद का इक्विपमेंट होता है, कोल्ड स्टोर होता है सामान स्टोर करने के लिए,
क्रॉकरी, जो भी बर्तन चाहिए होते हैं, एंड वर्क शेड्यूल और अपना काम करने का तरीका। मैनी ऑफ द स्टाफ मेम्बर्स आर डिपेंडेड ऑन ब्रेक शिफ्ट, दैट इज़ वर्क फॉर लंच एंड डिनर टाइमिंग्स एंड ए ब्रेक ऑफ 3 to 4 hours इन बिटवीन। बहुत से जो स्टाफ हैं उनको ब्रेक शिफ्ट पर रखा जाता है, बीच में 3 से 4 घंटे का ब्रेक देते हैं, वो मॉर्निंग और नाइट में काम करते हैं। मैनी रेस्टोरेंट टुडे हैव ए शो किचन, बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर शो किचन होते हैं जहाँ आप खाना बनते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया जा रहा है। दिस इज़ यूजुअली ए सेटेलाइट किचन विच इज़ पार्टली और होली विजिबल टू द गेस्ट डाइनिंग इन द रेस्टोरेंट थ्रू ए पार्टीशन पैनल। ये एक पार्टीशन के थ्रू अलग किया जाता है, बेली बीच में आपका शीशा लगा होता है, शीशे से आप देख सकते हैं अंदर किस तरह से फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। द गेस्ट कैन सी शेफ वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फूड व्हाइल सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, और जो गेस्ट हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठे बैठे देख सकते हैं कि अंदर किचन में किस तरह से फूड प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट इज बुशरी, दिस इज़ अ सेक्शन विच स्पेशलाइजेज इन कटिंग ऑफ पोल्ट्री मीट एंड ऑल टाइप ऑफ सी फूड। द बुशरी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपका चिकन का, मीट का, सी फूड का सब कटिंग ये सब किया जाता है। द शेफ टेक केयर ऑफ द हाइजीन एंड आर ट्रेंड टू प्रोसेस ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल मीट, और शेफ को पूरा हाइजीन के साथ कटिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। द बुचरी हैज़ इट्स ओन वॉक इन स्टोर एंड डीप फ्रीजर, बुचरी का अपना खुद का अलग से वॉक इन स्टोर होता है। वॉक इन मीन्स जहाँ कटा हुआ जो प्रिपेयर्ड मीट है उसको स्टोर किया जाता है। द शेफ कट्स द मीट एज पर रिक्वायरमेंट वेज एंड वैक्यूम सील इट बिफोर लेबलिंग एंड स्टोरिंग इन द डीप फ्रीजर। तो शेफ जो है मीट्स को कट करके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वेट करके उनको सील और लेबल करके रखते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमन बुतरी फ्रॉम वेयर ऑल अदर किचन टेक मीट एज पर रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल डिशेज, और जब शेफ को ज़रूरत होती है अपने रिक्वायरमेंट वाले मीट प्रोडक्ट्स की तो वो यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन्स आर रिसीव्ड इन बुचरी, दे आर प्रोसेस टू प्रिपेयर बोनलेस चंक्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चिकन्स रिसीव किए जाते हैं बुचरी में और उनको बोनलेस चंक्स में प्रिपेयर किया जाता है, बिना हड्डी वाला जो मीट होता है। ड्रम स्टिक्स मीन्स चिकन मीट, चिकन लॉलीपॉप्स एक्सेट्रा, ये टाइप बताए हुए हैं किस तरह के पीसीज चाहिए होते हैं अलग अलग डिशेज में, उसी तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है कट करके। एज पर द मेन्यू वेड वैक्यूम सील्ड लेबल्ड विद ए मीट टैग एंड स्टोर्ड, इनको प्रॉपरली वैक्यूम सील्ड मतलब अंदर हवा तक नहीं जाती, इस तरह से प्रॉपरली सील किया जाता है और टैग लगाकर स्टोर किया जाता है। वेरियस किचन्स इंडेंट द मीट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड टेक इट फ्रॉम बुचरी, वेरियस किचन इंडेंट्स, इंडेंट मतलब जो रिक्वायरमेंट है कल जो चाहिए होती है उसके अंदर चेंज करके आज जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करके देना। द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज़ अप्लाइड व्हाइल इशूइंग, जब मीट को दिया जाता है तो फीफो जो रूल है उसको अपनाया जाता है ताकि जो पहले आया वो पहले जाए और एक्सपायरी ना हो, ख़राब ना हो। स्पेशल केयर इज टेकन व्हाइल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टू एंश्योर हाइजीन एंड टेम्परेचर कंट्रोल सो एज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो मीट प्रोडक्ट्स को जब कटिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, यूज करते हैं तो बहुत ही स्पेशल इनका ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का, टेम्परेचर कंट्रोल भी पूरा रिकॉर्ड किया जाता है कि टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया ग्रो ना करे। नेक्स्ट इज़ बेकरी एंड पेटिसरी, बेकरी इज ए सेक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फर्मेंटेड बेक्ड ब्रेड सच एज होल व्हीट ब्रेड, बगेट, राई ब्रेड, ब्रियोशे एट्सेट्रा। तो बेकरी और पेटिसरी यहाँ पे आपके काफ़ी वेरियस टाइप्स के जो ब्रेड होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। व्हाइल पेटिसरी डील्स विद शुगरी कलरफुल बेक्ड गुड्स लाइक पेस्ट्रीज, केक्स, पाइज, टार्ट्स, पुडिंग्स, क्रोजों, मैक्रोन्स एट्सेट्रा, और जो पेटिसरी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आपके केक वगैरह, पाई वगैरह, पुडिंग्स, पेस्ट्री ये सब प्रिपेयर किया जाता है। दीज ब्रेड्स एंड स्वीट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बुफे इन कॉफ़ी शॉप्स, लॉन्जेस एंड अदर F&B आउटलेट्स। ये ब्रेड और स्वीट्स जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कॉफ़ी शॉप के, फूड एंड बेवरेज आउटलेट के और लॉन्जेस के। लॉन्ज वो जगह होती है फ्रंट ऑफिस के अंदर जहाँ पे गेस्ट अपना
किसी का वेट करना हो तो वहाँ अपना खाली टाइम जो है बिताते हैं, वहाँ टीवी वगैरह की फैसिलिटी होती है। मैनी होटल्स हैव एन इन हाउस बेकरी शॉप वेयर ब्रेड्स कुकीज टार्ट्स पाइज एट्सेट्रा आर अवेलेबल फॉर सेल। बहुत सारे होटल्स के अंदर अपना खुद का बेकरी शॉप होता है और कुछ लोग बाहर से मंगवाते हैं। नेक्स्ट इज़ लार्डर और गार्दे मैंजर, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कोल्ड किचन। तो लार्डर और गार्दे मैंजर को कोल्ड किचन भी बोलते हैं। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कोल्ड डिशेज सच एज सैलेड सैंडविच कनापे फ्रूट प्लेटर्स कोल्ड मीट प्लेटर्स चीज़ प्लेटर्स एट्सेट्रा। तो गार्दे मैंजर या लार्डर जो डिपार्टमेंट है कोल्ड किचन, वहाँ पर ये सभी प्रिपरेशन की जाती है। सलाद सैलेड जो है वो बनाया जाता है, सैंडविच बनाते हैं, फ्रूट प्लेटर बनाते हैं, ये सभी जो भी ठंडा सामान है वो सारा गार्दे मैंजर के अंदर या कोल्ड किचन के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। कोल्ड मीट प्लेटर्स इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ सॉसेजेस गैलेंटाइंस मूज पेट एट्सेट्रा। दीज प्लेटर्स आर कैप्ट ऑन कोल्ड बुफे इन कॉफ़ी शॉप और रेस्ट्रो एंड सर्व्ड इन लॉन्च ड्यूरिंग हाई टी। हाई टी ये आपका 4 बजे जो टी सर्व की जाती है उस टाइम को बोलते हैं हाई टी, और ये जो कोल्ड आइटम्स हैं ये सारे उस टाइम पे सर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बैंक्वेट किचन, ए बैंक्वेट इज़ ए लार्ज हॉल विच इज़ यूज टू होल्ड ए वैरायटी ऑफ फंक्शन सच एज फॉर गेस्ट नीड। दिस कुड बी ए फैशन शो प्रोडक्ट लॉन्च डिप्लोमेटिक डिनर कॉन्फ्रेंस वेडिंग एट्सेट्रा। तो बैंक्वेट एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर गेस्ट की रिक्वायरमेंट या नीड के अकॉर्डिंग फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। किसी की मैरिज है, किसी का डिनर पार्टी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई शादी है, ये सभी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बैंक्वेट के अंदर। देयरफॉर द मेन्यू इज़ वेरीड फ्रॉम इंडियन कॉन्टिनेंटल स्नैक्स स्वीट्स एंड ड्रिंक्स एट्सेट्रा। तो इसलिए जो मेन्यू है वो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी मिलती है, इंडियन फूड मिलता है, कॉन्टिनेंटल मिलता है, स्नैक्स स्वीट्स बाकी सब मिलता है। द टाइप ऑफ सर्विस आल्सो वेरीज फ्रॉम बुफे प्लेटर टू प्लेटर सर्विस और प्रॉपर फॉर्मल सिट डाउन डिनर में भी इन द फॉर्म ऑफ ए थाली इन केस ऑफ एन इंडियन मील। अगर इंडियन मील वहाँ सर्व किया जाना है तो थाली काफ़ी स्पेशल प्रचलन में है होटल्स के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग बैंक्वेट फंक्शंस। इसके अलावा प्लेटर टू प्लेटर सर्विस होती है, ये सर्विस के प्रकार है, काफ़ी तरह की सर्विस होती है, सेल्फ सर्विस भी होती है। दिस किचन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड ऑफ वेरियस टाइप्स इन वेरिंग क्वान्टिटीज़। तो ये किचन जो बैंक्वेट किचन है ये काफ़ी वैरायटी का फूड प्रिपेयर करता है। सम रेंज फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड फॉर 50 गेस्ट वाइल अदर कैटर टू 1000 गेस्ट। ए बैंक्वेट सीट और ए फंक्शन प्रॉपर्टीज इज प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस डिटेलिंग ईच रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट एंड इज देन सर्कुलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। तो इसके बैंक्वेट के किचन के अंदर 50 गेस्ट से लेकर के 1000 गेस्ट तक जो है लोगों के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए एक फंक्शन सीट जिसको FP बोलते हैं शॉर्ट में, फंक्शन सीट प्रिपेयर की जाती है। उसके अंदर जो गेस्ट को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ड्यूरिंग द फंक्शन वो सभी डिटेल लिखी होती है और ये सभी डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है। द बैंक्वेट शेफ हैज़ टू प्लान इन एडवांस इंडेंट एंड प्रिपेयर फूड एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ईच फंक्शन। जो बैंक्वेट शेफ है वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सभी चीज़ें टाइम पर प्रॉपरली तैयार करके रखते हैं। नेक्स्ट इज़ कमिसरी, सम होटल्स हैव ए सेपरेट सेक्शन ऑल टुगेदर टू क्लीन एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कुछ होटल्स के अंदर एक अलग से सेक्शन बनाया होता है जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन करके कट किया जाता है। दिस सेक्शन इज़ कॉल्ड कमिसरी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेडी टू यूज़ इन अदर किचन्स। बाकी किचन्स में जो रिक्वायरमेंट होती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, उन सबको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साफ़ करके कट करके तैयार रखा जाता है। दे पील एंड कट एंड प्रोसेस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पैक एंड सप्लाई टू द अदर किचन्स फॉर कुकिंग डिशेज। ये जो है उनको प्रॉपरली पैक करके बाकी किचन्स के अंदर सेंड कर देते हैं डिशेज